हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ब्लाउज में शोल्डर और आर्म होल कितना लेना चाहिए। ब्लाउज में सभी साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल निकालने का तरीका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। एग्जैक्ट कोई चार्ट इसके लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सभी की बॉडी का साइज एक जैसा नहीं होता है। किसी का शोल्डर ज़्यादा वाइड होता है तो किसी का शोल्डर कम होता है। तो साइज़ को मेज़र करके ही ब्लाउज़ की अच्छी फिटिंग बनती है। किसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम किसी का भी साइज़ डिसाइड नहीं कर सकते। अगर बिना किसी मेज़रमेंट के सिर्फ एक चार्ट को देखते हुए हम साइज़ किसी भी साइज़ का अगर ब्लाउज़ बनाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है उसकी फ़िटिंग परफेक्ट हो, उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ बनाएंगे, तभी हमारी ब्लाउज़ की फ़िटिंग परफेक्ट बनती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 36 साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की और शोल्डर और आर्म होल का मेथड बताऊंगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्लाउज़ और इसका ब्लाउज़ का आर्म होल और शोल्डर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक आइडिया होता है यहाँ पर ब्लाउज़ में आर्म होल और शोल्डर बनाने का। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बताया 36 साइज़ का ब्लाउज़ मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो जितना आपका यहाँ पर ब्लाउज़ का साइज़ है, जैसे कि आपका शोल्डर है यहाँ पर, मेरा यहाँ पर 36 साइज़ में शोल्डर है 14 इंच। जो 14 इंच हमारा, जहाँ से हमारा ये हमारी ये कंधा शुरू होता है, वहाँ से हम आर्म होल मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर 14 इंच का हाफ हम करते हैं आर्म होल, सॉरी शोल्डर। तो 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच। तो 7 इंच हमने ये मार्क किया, लेकिन हम एग्जैक्ट 7 इंच पे आर्म होल नहीं ले सकते, क्योंकि हम डीप नेक बनाएंगे। तो डीप नेक बनाएंगे तो हमारा नेक, हम अगर नेक हम यहाँ से कम करेंगे, जैसे कि हम डीप नेक में नेक भी वाइड होगा, चौड़ाई भी उसकी ज़्यादा होगी, तो हम यहाँ पर हमारे जो ये शोल्डर पट्टी है, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5, मैक्सिमम हम 3 इंच की ये स्ट्रिप ले सकते हैं। वो साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अब 3 इंच की तो हमारी ये स्ट्रिप हो गई। अब 3 इंच के आगे हमारा यहाँ पर कितना बच गया, ये देखिए नेक, हम इतना चौड़ा तो नेक हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर नेक चौड़ा ना करके शोल्डर को कम करना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर शोल्डर पहले ही कम कर लेते हैं। तो जैसे 7 इंच यहाँ पर मेरा शोल्डर का हाफ होता है 7 इंच, तो 7 इंच में हम 1.5 से 2 इंच माइनस कर लेते हैं पहले ही शोल्डर डिसाइड करते टाइम। तो यहाँ पे मेरा, मैं यहाँ पे डीप नेक का मेजरमेंट बता रही हूँ, डीप नेक में हम कितना आर्म होल और कितना शोल्डर ले सकते हैं। तो ये 7 इंच है, तो 7 इंच में हम 2 इंच माइनस करेंगे डीप नेक के लिए। हमारा नेक बैक में भी और फ्रंट में भी डीप नेक है, तो हम यहाँ पे 2 इंच कम करेंगे। अगर हमारा जो नेक है, नेक लाइन हमारी बैक में मैक्सिमम 6 इंच 7 इंच 8 इंच तक हमारी नेक जो है, बैक का नेक हमारा डीप है, तो हम यहाँ पर 2 इंच तक ये शोल्डर डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर हमारा नेक इससे भी ज़्यादा डीप है, जैसे 9 इंच है, 10 इंच है, 11 12, जितना भी ज़्यादा ही डीप है हमारा, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच भी शोल्डर को कम कर सकते हैं, 3 इंच भी हम शोल्डर कम कर सकते हैं। क्योंकि जितना हम शोल्डर, जितना हम नेक हमारा डीप करते जाएंगे, उतना हमारा शोल्डर कम होता जाएगा। वो किस लिए, अगर हम यहाँ पर नेक हमारा डीप कर रहे हैं और शोल्डर हम एज इट इज यहाँ पर मान लीजिए 7 में से हम 2 इंच कम करके यहाँ पर 5 इंच का हम यहाँ पर शोल्डर कर रहे हैं, तो हमारा नेक डीप हो गया, तो वो हमारा जो नेक है वो खुलता चला जाएगा। अब जितना हमारा यहाँ नेक डीप होगा, उतना ही हमारा शोल्डर दूसरी साइड में खुलता चला जाएगा। खुलेगा तो वो हमारा शोल्डर फॉलिंग की प्रॉब्लम आएगी, शोल्डर हमारा कंधे से खिसकेगा। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर 1/2 इंच, जितना हम यहाँ पर नेक डीप करते जाएंगे, हमारा शोल्डर हम कम करते चले जाएंगे। तो 5 इंच से हम, ज़रूरी नहीं है हमें डीप नेक लेना है तो हम यहाँ पे 2 ही इंच कम करेंगे शोल्डर को, हम यहाँ पे 2.5 इंच भी कम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये शोल्डर लिया है 5 इंच, तो 5 इंच से हम 4.5 इंच भी कर सकते हैं, 4 इंच भी हम यहाँ पर शोल्डर कर सकते हैं। हम शोल्डर को कम करेंगे, हम नेक को कम नहीं करेंगे।
तो कहने का मतलब यही है कि हम जितना हम नेक डीप करते जाएंगे, हम उसमें हाफ इंच माइनस करते चले जाएंगे शोल्डर में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप नेक नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे 6, 7, 8 ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे 8 इंच तक के डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ बता रही हूँ कि हम यहाँ पर 5 इंच का शोल्डर रखेंगे, यानी कि 2 इंच हम शोल्डर में कम कर देंगे। जैसे हमारा शोल्डर है यहाँ पर पूरा 14 इंच, 14 इंच को हाफ करने पर हमारा आता है 7 इंच, तो 7 इंच में से हम 2 इंच माइनस करेंगे, 2 इंच माइनस करने पर हमारा यहाँ पर आएगा 5 इंच, 5 इंच पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपका शोल्डर है उसमें आप हाफ करके 2 इंच माइनस कर लीजिए, ये आपका शोल्डर का पॉइंट आ गया। इसके लिए हम कोई चार्ट नहीं बना सकते हैं क्योंकि जो बॉडी होती है सभी की अलग होती है। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ कि मैं यहाँ पे आप 14 इंच के लिए इतना कम कीजिए, तो ज़रूरी नहीं है 14 के लिए हम 2 ही इंच कम करें, वो नेक पर भी तो डिपेंड होता है ना कि हम कितना नेक डीप कर रहे हैं। अब हम जितना नेक डीप करते जाएंगे शोल्डर को हम माइनस थोड़ा थोड़ा माइनस करते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा शोल्डर का, तो शोल्डर को एक बार हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। 5 इंच पे मैंने ये शोल्डर मार्क किया है 2 इंच शोल्डर कम करके। अब हमें यहाँ पर करना है आर्म होल के लिए, तो आर्म होल में भी वही मेथड होता है। जितना हमारा शोल्डर है यहाँ पर 7 इंच है, 7 इंच में हम 1 इंच माइनस करेंगे, ये है हमारा डीप नेक का प्रोसीजर। अगर आप यहाँ पर शोल्डर डीप नहीं, ये नेक डीप नहीं कर रहे हैं, जैसे 8 इंच तक आपका नेक ज़्यादा डीप नहीं माना जाता है, 8 इंच तक नॉर्मल ही साइज़ है आजकल बहुत ज़्यादा डीप नेक चले हुए हैं, तो हम 8 इंच को ज़्यादा डीप नहीं कह सकते हैं, ये नॉर्मल साइज़ होता है नेक का, बैक नेक हो चाहे फ्रंट नेक हो। फ्रंट नेक में 7-8 मैक्सिमम आजकल डीप चलते हैं, तो आजकल के हिसाब से मैं ये बता रही हूँ, हम यहाँ पर 1 इंच माइनस करेंगे आर्म होल को शोल्डर से, यानी कि 7 इंच हमारा शोल्डर है, तो 7 इंच में से 1 इंच माइनस करके 6 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये उस कंडीशन में है अगर आप यहाँ पर स्लीव्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1 इंच माइनस करेंगे। अगर आप यहाँ पर विदाउट स्लीव यानी कि स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं तो आप उसमें से 1.5 इंच माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं है, आप यहाँ पर 1.5 इंच माइनस कर सकते हैं स्लीवलेस ब्लाउज बनाने के लिए। स्लीव्स वाले ब्लाउज के लिए हम यहाँ पर 1 ही इंच शोल्डर में से 1 इंच माइनस करेंगे, यानी कि 5 इंच हमने यहाँ पर आर्म होल लिया है, सॉरी शोल्डर लिया है, तो हम यहाँ पर 6 इंच आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, ये स्लीव्स के लिए है। अगर आप यहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं तो स्लीवलेस ब्लाउज में आप यहाँ पर 1.5 इंच माइनस करेंगे जितना आपका शोल्डर है उसमें। तो यहाँ पे मैं स्लीव और स्लीवलेस और विद स्लीव वाले दोनों आर्म होल मैंने बता दिए हैं। जितना आपका साइज है शोल्डर का उसमें आप 1 से 1.5 इंच माइनस करके आर्म होल निकाल सकते हैं, किसी भी साइज़ के लिए आपका यही मेथड रहेगा। इस मेथड से अगर आप आर्म होल और ये शोल्डर की मार्किंग करेंगे आपके जो ब्लाउज़ में कोई कमी नहीं आएगी, इतनी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। शोल्डर आप कम करते जाएंगे, नेक आप डीप करते जाएंगे, तब अगर आप 8 इंच तक यहाँ पर नेक रख रहे हैं तो आपका यहाँ पर शोल्डर 5 इंच ही रहेगा। अगर आपका शोल्डर पूरा टोटल 14 इंच है तो 15 इंच है तो आपका हाफ हो जाता है 7.5 इंच, 7.5 में आप यहाँ पर 2 इंच माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5.5 इंच। तो वो शोल्डर के अकॉर्डिंग होता है जितना आपका शोल्डर ब्रॉड है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे चेस्ट 36 है और शोल्डर आपका होगा 14 इंच, ये ज़रूरी नहीं है। आपका 15 इंच भी हो सकता है, किसी का कंधा चौड़ा भी हो सकता है, 16 इंच भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शोल्डर निकालना होता है। अब चेस्ट आपकी है यहाँ पर 34 और शोल्डर आपका है यहाँ पर कम, किसी की हैवी चेस्ट भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि 34 है तो शोल्डर आपका 14 होगा या 13 होगा या 14.5 होगा, ज़रूरी नहीं। वो सिर्फ एक हमें मेज़र करके ही, किसी भी कपड़े को हम अगर कटिंग करेंगे तो वो हम एग्जैक्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ही मेज़र करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर डाउट सभी क्लियर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर एक बार आर्म होल और शोल्डर के लिए एक बार यहाँ पर निशान लगा के दिखा देते हैं। तो ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पे हमने 5 इंच लिया है, तो बैक अगर हम पार्ट बना रहे हैं ब्लाउज़ का तो हम यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 5 इंच ही लेंगे बैक के लिए, तो 5 इंच पे हम यहाँ पर इसको मिला देंगे।
बैक पार्ट के लिए, और इसको हम कर देंगे आगे स्ट्रेट लाइन को। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की राउंडिंग करनी है, तो बैक पार्ट में हम आर्म होल को 1.5 इंच पर राउंड करते हैं। चाहे आप स्लीवलेस ब्लाउज बनाएं या फिर आप विद स्लीव वाला ब्लाउज बनाएं, आप यहाँ पे बैक पार्ट में 1.5 इंच जो है ये आर्म होल की गोलाई रखेंगे ही रखेंगे। इससे आपका जो ये नेक है ये बिल्कुल भी आपका इधर उधर नहीं जाएगा, आपकी शोल्डर फॉलिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये वाला जो हमें गोलाई यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये हमारा जितना आर्म होल है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे आर्म होल की जितनी भी ये लेंथ है इसको हम हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। हाफ में डिवाइड करने पर जहाँ पे हमारी मार्किंग आती है वहाँ से हमें इसकी राउंडिंग स्टार्ट करनी है। जरूर ये नहीं है कि आप यहाँ पे 6 इंच आपने आर्म होल ले लिया तो आप यहाँ से ही इसकी राउंडिंग स्टार्ट करेंगे, नहीं, उससे आपका जो ब्लाउज़ है वो इधर की साइड में खिसकेगा, जो फैब्रिक होता है वो खिसकने का भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से हमारे जो ब्लाउज़ में फैब्रिक होता है वो खिसक जाता है, यहाँ से हमारा धागे निकल जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम यहाँ से जब हम नीचे से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आर्म होल को राउंड करना तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह से आप अगर अपने आर्म होल की राउंडिंग करेंगे, आपका जितना आर्म होल है उसको आप हाफ में डिवाइड कर लीजिए, जो आपका हाफ में ये पॉइंट आता है यहाँ से आपको आर्म होल राउंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप 1.5 इंच पे बैक पार्ट का आर्म होल राउंड करेंगे। अब आ गए यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमें कितना ये लेना है, तो जितना हमने बैक पार्ट में लिया है उससे हम 1 से 1.5 से 1 इंच माइनस कर सकते हैं। जितना आपको आगे ब्रॉड आपका नेक चाहिए है, ब्रॉड यानी कि आप नेक को बहुत ज़्यादा खुला ही यहाँ से ओपन आप पहन सकते हैं, तो आप उसके लिए 1 इंच यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। आपको नॉर्मल ही ब्लाउज यहाँ पर नॉर्मल नेक रखना है फ्रंट पार्ट में, तो उसके लिए आप यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और उसको आप इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा है बैक पार्ट का आर्म होल और ये हम लगाएंगे यहाँ पे फ्रंट पार्ट का आर्म होल। तो फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल कितना राउंड करना है, फ्रंट पार्ट में हम हमेशा 1 इंच पर आर्म होल की राउंडिंग करेंगे। 1 इंच पे हम आर्म होल का यहाँ पर निशान लगा के और इसको इस लाइन से मैच करेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप आर्म होल को लगाएंगे तो आपका जो ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बॉडी पे फिट हो जाता है। नेक आपका नेक में यहाँ पे लूजिंग भी नहीं आती हैं और जो यहाँ पे शोल्डर्स में जो रिंकल्स आते हैं वो रिंकल्स की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है इस तरह से आर्म होल कट करने पर। अगर आप यहाँ पे बैक पार्ट जितना ही आर्म होल फ्रंट पार्ट में भी लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट में फैब्रिक जो यहाँ इकट्ठा हो जाता है वो प्रॉब्लम आपकी इसी वजह से आती है। तो हमें यहाँ पर यही करना है, हमें 1 इंच पे आर्म होल की फ्रंट पार्ट में राउंडिंग करनी है, बैक पार्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना होता है। तो ये हमारा आर्म होल और जो ये है शोल्डर की जो ये प्रॉब्लम है ये हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि हमें किस साइज़ के लिए किस तरह से आर्म होल और शोल्डर निकालना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आज का जो हमारा ये टॉपिक था सिर्फ आर्म होल और शोल्डर के लिए ही था, बाकी ब्लाउज़ की जो भी डिज़ाइनर लुक है वो मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी और मैं सभी साइज़ के लिए यहाँ पर बताती रहती हूँ। एग्जैक्ट मैं जिस साइज़ का ब्लाउज़ बनाती हूँ सेम उसी ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कटिंग नहीं बताती, मैं अपने हर वीडियो में सभी साइज़ के लिए बताती रहती हूँ कि आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर किस तरह से मार्किंग करनी है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके आर्म होल और शोल्डर के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लाउज़ के डिज़ाइन को लेकर। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।